गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ड्राइंग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ड्राइंग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? ड्राइंग, जिसका नाम है माय आर्ट बुक। क्या नाम है बच्चों इस बुक का? माय आर्ट बुक। तो बच्चों, ड्राइंग में हम लोग क्या करेंगे? कलर। क्या करेंगे बच्चों? कलर। आपको कलर करना अच्छा लगता है ना? सबको अच्छा लगता है? अरे वाह, तो आज हम ड्राइंग में क्या करेंगे? कलर्स। तो स्टार्ट करें, बताइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज हम ड्राइंग में करेंगे कलर। क्या करेंगे बच्चों? कलर। तो बताइए बच्चों, आज हम ड्राइंग में कौन से कलर करेंगे? बच्चों पेज नंबर 3 निकालिए। जैसे कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 3। तो बच्चों आज हम कलर करेंगे रेड में। किसमें कलर करेंगे बच्चों? रेड में। किसमें? रेड में। ये क्या है? रेड। क्या है बच्चों? रेड मतलब चूहा। आज हम इसमें क्या करेंगे? कलर करेंगे। तो कौन सा कलर करेंगे बच्चों? कौन सा कलर? ब्राउन कलर। कौन सा कलर करेंगे इसमें हम? ब्राउन कलर। तो चलिए बच्चों, इसमें हम कलर स्टार्ट करते हैं। ईयर्स में कलर। किसमें कलर करेंगे बच्चों? इसके ईयर्स में कलर। तो सबसे पहले हम कलर स्टार्ट करते हैं साइड से। पहले हम साइड में कलर करेंगे, फिर हम बीच में कलर करेंगे, जिससे हमारा कलर बाहर नहीं निकलेगा। पहले हम लोग साइड में कलर कर लेते हैं। चलिए ये बच्चों, अब हमने इसके ईयर में कलर कर लिया। अब बच्चों हम करेंगे इसके फेस में कलर। किसमें करेंगे बच्चों कलर? फेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ करेंगे? साइड्स में कलर। उसके बाद हम लोग करेंगे मिडिल में। कैसे करेंगे? ऐसे ऐसे अच्छे से हम इसके साइड्स में कलर करेंगे। ओके बच्चों, कलर बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। अच्छे अच्छे से हम लोग कलर करेंगे बच्चों। ऐसे हम इसके फेस में कलर करेंगे। देखिए हो गया इसके फेस में कलर। अब हम किस में करेंगे? इसके हैंड्स में कलर। चलिए करते हैं। हमने इसके हैंड्स में कलर कर लिया। अब हम करेंगे इसके टमी पे कलर। किस पे करेंगे? टमी पे कलर। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले कहाँ करेंगे? साइड्स में। उसके बाद करेंगे मिडल में। बच्चों हमने इसकी टमी में कलर कर लिया। अब क्या रह गए? अब रह गए इसके लेग्स। अब हम करेंगे इसके लेग्स में कलर। जो अब हमारा रेड कलर हो चुका है। देखिए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? ऐसे ही आप लोग बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्सेशन। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? कन्वर्सेशन। अभी तक हमने कन्वर्सेशन नहीं पढ़ी, लेकिन आज से हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्सेशन। और कन्वर्सेशन में आज से हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंसेस। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों? सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंसेस? गुड मैनर्स के। मतलब आज मैं आपको अच्छी आदतें सिखाऊंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए। बात करनी चाहिए, क्या कब बोलना चाहिए, ये सब आज मैं आपको सिखाऊंगी। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले नो थैंक यू। क्या है बच्चों सबसे पहले? नो थैंक यू मतलब नहीं शुक्रिया। तो आपको नो थैंक यू कब बोलना चाहिए? जब आपको कोई चीज ऑफर कर रहा है, मतलब आपको कोई कुछ दे रहा है और आपको उससे नहीं चाहिए, तो पहले आप उसको क्या बोलेंगे? कि नहीं। और थैंक यू आप उसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसने आपको ऑफर किया ना, आपको दिया कोई चीज, तो आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है ना उसको, तो आप उसको उसके लिए थैंक यू भी बोलेंगे और नहीं भी बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? नो थैंक यू। जैसे आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि मेरे साथ लंच कर लो, आपको उसके साथ नहीं लंच करना, तो आप उससे क्या बोलेंगे? नो थैंक यू। क्या बोलेंगे? नो थैंक यू। नेक्स्ट देखिए क्या है? यस थैंक यू।
क्या बोलेंगे? यस थैंक यू. यस थैंक यू मतलब हाँ शुक्रिया. क्या होता है यस थैंक यू मतलब? हाँ शुक्रिया. आप किसी को यस थैंक यू कब बोलेंगे? जैसे आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया और आपने उससे वो गिफ्ट ले लिया, तो आप उसको क्या बोलेंगे? हाँ थैंक यू. मतलब आपको शुक्रिया, आप उसको शुक्रिया करेंगे ना. आपने उससे वो गिफ्ट ले लिया तो अब आप उसको थैंक यू बोलेंगे ना, तो उसको क्या बोलेंगे? यस थैंक यू. क्या बोलेंगे? यस थैंक यू. अगर आपने किसी से कोई चीज ले ली और आपको उसके लिए उसको थैंक यू बोलना है तो क्या बोलेंगे? यस थैंक यू. नेक्स्ट देखिए, हेल्प मी प्लीज मतलब कृपया मेरी मदद कीजिए. क्या होता है हेल्प मी प्लीज का मतलब? कृपया मेरी मदद कीजिए. अब आप किसी को हेल्प मी प्लीज कब बोलेंगे बताइए? जैसे आप अपना होमवर्क घर पर कर रहे हैं, अब आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मम्मा से बोलेंगे ना, मम्मा हेल्प मी प्लीज, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे समझा दीजिए. तो आप कैसे बोलेंगे? हेल्प मी प्लीज. अब जैसे आपका लंच बॉक्स या बॉटल नहीं खुलते, तो आप मैम के पास जाते हैं ना, मैडम ये बॉटल खोल लीजिए, ऐसे बोलते हैं, तो आपको ऐसे नहीं बोलना है. कैसे बोलेंगे आप? मैम हेल्प मी प्लीज. कैसे बोलेंगे? मैम हेल्प मी प्लीज. अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो आप उसके लिए उससे बोलेंगे हेल्प मी प्लीज. ओके नेक्स्ट देखिए, आई एम सॉरी. क्या है ये? आई एम सॉरी. हम किसी को आई एम सॉरी कब बोलते हैं? अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हम उसके लिए किसी से माफी मांगेंगे ना, तो क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी. क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी. जैसे आप अपना होमवर्क नहीं कर पाए किसी रीजन की वजह से, तो आप स्कूल में आके मैम आपसे पूछेंगे कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया है, तो आप पहले क्या बोलेंगे? मैम आई एम सॉरी. उसके बाद अपना रीजन बताएंगे ना, इस वजह से मैं अपना होमवर्क नहीं कर पाया. अगर आपसे कोई और गलती हो जाती है, आपके फ्रेंड्स के साथ हैं आप और आपने उसका कोई चीज गिरा दी नीचे, तो आप उससे क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी, मेरे से गलती से गिर गई. सॉरी बोलेंगे ना पहले उसको. तो आई एम सॉरी कब बोलते हैं? जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उसके लिए पहले बोलते हैं आई एम सॉरी. नेक्स्ट देखिए, मे आई कम इन मैम एंड सर. मे आई कम इन का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ. मतलब आप किसी भी क्लास में, अब जैसे आप कहीं जाते हैं, जैसे किसी भी क्लास में एंटर करते हैं, क्लास में आप एंटर करेंगे सुबह प्रेयर के बाद, तो आप मैम से क्या पूछेंगे? मैम मे आई कम इन, ऐसे ही तो पूछेंगे. मे आई कम इन मैम, ऐसे ही तो पूछेंगे. डायरेक्ट अंदर तो नहीं चले जाएंगे, ऐसे थोड़ी नहीं बोलते हैं कि मैम मैं अंदर आ जाऊं, ऐसे नहीं बोलते ना. कैसे बोलते हैं? मे आई कम इन मैम. अब आप मम्मा पापा के रूम में जाते हैं, तो आप क्या मम्मा पापा से पूछते हैं? मे आई कम इन मम्मा. ऐसे ही आप अगर किसी की भी रूम में या कहीं भी एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या पूछेंगे? मे आई कम इन मैम या सर, जो भी उस रूम में होता है, आप उससे ऐसे ही बोलेंगे मे आई कम इन. ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, मे आई गो टू वॉटर टॉयलेट. तो बच्चों अगर आपको वाटर या टॉयलेट जाना है, तो आप ये थोड़ी नहीं बोलेंगे मैम मैं पानी पी आऊं या मैम मैं टॉयलेट चले जाऊं, ऐसे नहीं पूछेंगे ना. कैसे पूछेंगे? मैम मे आई गो टू वॉटर. कैसे पूछेंगे? मे आई गो टू वॉटर मतलब क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ. कैसे? मे आई गो टू वॉटर का क्या मतलब होता है? क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, तो आप कैसे पूछेंगे? मे आई गो टू वॉटर. कैसे पूछेंगे? मैम मे आई गो टू वॉटर. ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून. ये सब आप कब बोलते हैं बच्चों? अगर आप किसी से मिलते हैं, मैम से मिलते हैं या सुबह उठते हैं सबसे पहले, तो क्या बोलते हैं सुबह? सबसे पहले हम लोग सुबह बोलते हैं उठकर गुड मॉर्निंग. क्या बोलते हैं बच्चों सुबह उठकर सबसे पहले? गुड मॉर्निंग. अगर आप उठते हैं तो सबसे पहले मम्मा पापा से क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग. आप स्कूल में आते हैं तो मैम से क्या बोलेंगे सबसे पहले? मैम गुड मॉर्निंग. और अगर आप लोग रात में सोते हैं, तो सोते टाइम क्या बोलते हैं?
गुड नाइट, क्या बोलेंगे मम्मा पापा को सोते टाइम? गुड नाइट, क्या बोलेंगे बच्चों सोते टाइम? सबसे पहले आप मम्मा पापा को बोलेंगे गुड नाइट। उसके बाद दिन में क्या बोलते हैं? जब दिन होता है तब क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून। क्या बोलते हैं बच्चों जब दिन होता है तो? गुड आफ्टरनून। दिन में हम लोग क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून। और शाम के टाइम पर क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। क्या बोलते हैं बच्चों शाम के टाइम पर? गुड इवनिंग। फिर से देखिए, हम लोग सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। उसके बाद दिन में क्या बोलते हैं? गुड आफ्टरनून। उसके बाद शाम के टाइम पे क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। और फिर रात में जब सोते हैं तब क्या बोलते हैं? गुड नाइट। ओके, तो अब आप भी अपने मम्मा पापा को बोलकर सोएंगे ना? ऐसे ही जब सोएंगे उठेंगे दिन में सब आप बोलेंगे ना मम्मा पापा, दादी को, मैम से मिलते हैं तो मैम को भी बोलेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, एक्सक्यूज मी। मतलब एक्सक्यूज मी मतलब होता है मुझे माफ कीजिए, मतलब होता है एक्सक्यूज मी मतलब मुझे माफ कीजिए। अब मुझे माफ कीजिए हम क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि अगर आपको टू पर्संस बात कर रहे हैं, जैसे आपके मम्मा पापा बात कर रहे हैं और आपको मम्मा पापा से कोई बात पूछनी है तो आप डायरेक्ट जाके तो नहीं पूछेंगे कि मम्मा मुझे ये बता दो या मम्मा ये कर दो। पहले क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, क्योंकि वो लोग बात कर रहे हैं ना तो उनकी बात डिस्टर्ब होती है ना, तो इसीलिए पहले हम बोलते हैं एक्सक्यूज मी मम्मा। फिर आप बोलेंगे कि मम्मा मुझे ये चाहिए, या फिर मैम क्लास में बोर्ड पे कुछ समझा रही है तो पहले मैम आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो पहले आप मैम से बोलेंगे मैम एक्सक्यूज मी, फिर पूछेंगे मैम ये बता दीजिए इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मीनिंग होता है। ओके बच्चों, ऐसे ही आप लोग पूछेंगे। तो एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है? मुझे माफ कीजिए। अगर कोई भी टू पर्सन आपस में बात कर रहे हैं और आपको कोई बीच में बात बोलनी है तो सबसे पहले आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। ओके, चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं। नो थैंक यू मतलब नहीं शुक्रिया। यस थैंक यू मतलब हाँ शुक्रिया। हेल्प मी प्लीज मतलब कृपया मेरी मदद कीजिए। आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ कर दीजिए। मे आई कम इन मैम मतलब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। मे आई गो टू वाटर टॉयलेट मतलब क्या मैं वाटर या टॉयलेट जा सकता हूँ या जा सकती हूँ। गुड मॉर्निंग सुबह बोलते हैं, गुड आफ्टरनून दिन में बोलते हैं, गुड इवनिंग शाम को बोलते हैं और गुड नाइट रात को बोलते हैं सोते टाइम। और एक्सक्यूज मी मुझे माफ कीजिए मतलब टू पर्सन बात कर रहे हैं और आपको उनके बीच में बोलना है तो पहले बोलेंगे एक्सक्यूज मी। ओके बच्चों, अब आप इन सेंटेंसेस को लर्न करेंगे और आप घर में भी इनको यूज करेंगे, मम्मा पापा से, दादी दादाजी से, सबके साथ इनको आप लोग यूज करेंगे। ओके बच्चों, नाउ हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।